के तुकोगंज में शोरूम से कपड़े चुराने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को पकड़ा है। ये दोनों ही आरोपी अपने अंडरगार्मेंट्स में शोरूम के कपड़े चुराकर भाग जाते थे। उनकी चोरी शहर के एक जींस के शोरूम में कपड़े चुराते हुए पकड़ी गई। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस ने दोनों को ही पकड़ लिया है। दोनों पहले भी इस तरह की कपड़े चुराने की बात स्वीकार कर चुके हैं। टीआई कमलेश शर्मा के मुताबिक इंद्रप्रस्थ टावर में एरो क्लब वुडलैंड पर रवि पुत्र महेश मीणा और मदन पुत्र मोहन कपड़े खरीदने पहुंचे थे। ये सभी राजस्थान के सवाई माधोपुर के रहने वाले हैं। इनके साथ कुछ और साथी भी कपड़े खरीदने गए। यहाँ पर आरोपियों ने चेंजिंग रूम में जाने के साथ ही कपड़े देखते हुए उन्हें अपने अंडरगार्मेंट में रख लिए। इस मामले में शोरूम के सुधीर राठौर को दोनों पर शंका हुई। उन्होंने व्यापारियों को बुलाकर रवि और मदन को रोका और सीसीटीवी चेक किए, जिसके बाद दोनों को वहीं रोककर पुलिस को सूचना दी गई। उन्होंने पुलिस को अपने यहां के सीसीटीवी फुटेज भी सौंपे और आरोपियों की पहचान की। इंदर ने बताया कि आरोपियों ने उनके स्टोर से एक दिन पहले अंडरगार्मेंट में कपड़े छिपा कर रखे थे। स्टॉक चेक करने के बाद उन्हें वारदात की जानकारी लगी थी। वहीं इस मामले में उन्होंने विजयनगर पुलिस को भी इसकी सूचना दी है। पुलिस आरोपियों को ढूंढ रही थी, इसी बीच तुकोगंज पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया है। अग्रवाल जी का शोरूम है, उसके शोरूम में मदन मोहन मीणा और रवि मीणा, ये दोनों चेंज रूम में जाके इन्होंने कपड़े चेंज किए और बहुत सारे कपड़े इन्होंने एक साथ पहन लिए, तो इनके विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया। चोरी का ये कपड़े चोरी करते हुए पकड़ा है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। ये दोनों सवाई माधोपुर राजस्थान के रहने वाले। इस तरह की कोई घटना नहीं, अभी तो इसके पहले ऐसी कोई घटना प्रकाश में नहीं आई है, लेकिन किसी और थाने पर शायद ऐसी कोई घटना घटित हुई है। इनसे बिल्कुल पूछताछ कर रहे हैं अभी और आगे, और अभी पूछताछ लगातार जारी है। उसके बाद इनके विरुद्ध अगर कहीं और कोई साक्ष्य आते हैं या कुछ मिलता है तो कार्रवाई की जाएगी।